नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्रीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम ठाड़ीभार में आशा कार्यकर्त्री को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जबकि इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या की सूचना पर कुशीनगर जनपद के एसपी यमुना प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्राम ठाड़ीभार निवासी अशोक बीते 4 वर्षों से सऊदी अरब में काम करता है। उसकी पत्नी सीमा अपनी 3 बेटियों के साथ शिव मंदिर टोला स्थित अपने घर में अकेले रहती थी। उसके ससुर साधु हैं और सास की मौत बहुत पहले हो चुकी है। सोमवार को आधी रात सीमा को उसके घर में ही चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। सीमा की बेटियों ने अपने मामा को घटना की जानकारी रात में दी। आनन फानन में मौके पर पहुंचे कसिया क्षेत्र के परसौनी कला निवासी मृतक के भाई धर्मेंद्र यादव ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बेटियों के बयान के आधार पर एक आरोपी को पकड़ लिया है। मृतक के भाई की तहरीर पर गाँव के ही 2 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। यही है कि हमारे पोतों को चाकू मार दिए हैं या गला दबा है। कौन दबाए हैं? ढेलू और प्रदीप, यही 2 आदमी हैं। क्या कोई प्रदीप और सुनील पटदार के हैं? हमारे जी 3 भाई हम पटदार के ही हैं। वो लोग झगड़ा पुलिस था? हाँ। कब का मैटर है ये? रात का। कितने बजे का? 12:15।